देश के दूसरे हिस्सों की तरह दिल्ली में भी कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में दिल्ली के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके कारण मरीजों की जान पर ही बन आई है। ऐसे में जरूरी है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की अबाध सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इस संकट की घड़ी में देश की अग्रणी स्वयंसेवी संस्था सेवा भारती की दिल्ली इकाई पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने के काम में जुट गई है। इसके लिए सेवा भारती ने एक ऑक्सीजन चेन बनाया है। ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट के साथ समन्वय बिठाकर जरूरत की जगह कम से कम समय में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सेवा भारती ने स्वयंसेवकों की एक पूरी टोली बनाई है, जो दिन रात इस काम में पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ जुटी है। इसी कड़ी में सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अब कोविड केंद्रों में सेवा कार्य करने में जुट गए हैं। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दिल्ली सरकार की ओर से बने कोविड सेंटर में फिलहाल 20 सेवा भारती कार्यकर्ता सेवा कार्य कर रहे हैं। इन सब के अलावा सेवा भारती कोविड भोजन सेवा के तहत कोरोना संक्रमित परिवारों को दोनों समय भोजन पहुंचाने का भी कार्य कर रही है।